रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। वेलकम ऑल ऑन रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो। माई सेल्फ डॉक्टर इंदु सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्चुअल, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, KO कॉलेज गुमला, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। माई टूडेज लेक्चर विल बी ऑन सेमेस्टर 6 DSE 3 Unit 2, दैट इज कोर वैल्यूज ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी। आई ब्रीफली एक्सप्लेन द कोर वैल्यूज ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी इन दिस लेक्चर। सम ऑफ द कोर वैल्यूज विच यू हैव टू स्टडी इन दिस यूनिट आर इंडिविजुअल एंड फैमिली वेलनेस, सेंस ऑफ कम्युनिटी, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डाइवर्सिटी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज कम्युनिटी साइकोलॉजी। सो इन शॉर्ट, कम्युनिटी साइकोलॉजी स्टडीज the individual's context within communities and the wider society and the relationship to communities and society. It seeks to understand the quality of individuals within groups, organizations and institutions, communities and society. सामुदायिक मनोविज्ञान समुदायों और व्यापक समाज के भीतर व्यक्तिगत संदर्भ का अध्ययन करता है। यह समुदायों और समाज से व्यक्ति का संबंध का भी अध्ययन करता है। यह सामुदायिक मनोवैज्ञानिक समूहों, संगठनों, संस्थानों, समुदायों और समाज के भीतर व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को समझने में भी मदद करता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कोर वैल्यूज ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी। फर्स्ट, इंडिविजुअल एंड फैमिली वेलनेस। इंडिविजुअल एंड फैमिली वेलनेस इज द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ ऑल पीपल एंड देयर फैमिलीज। Research in community psychology focuses on methods to increase individual wellness, particularly through prevention and second order change. Now, what is second order change? Giving attention to systems and structures involved with the problem to adjust the person or environmental fit. For example, homelessness is a social problem. When a person or his family do not have a home to live in, second order change would be to address issues in policy regarding affordable housing, means not giving shelter but adding something in policy through which one can get affordable housing. व्यक्तिगत और पारिवारिक कल्याण सभी लोगों की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक भलाई है। सामुदायिक मनोविज्ञान का अनुसंधान व्यक्तिगत और पारिवारिक कल्याण को बढ़ाने के तरीकों पर केंद्रित है। सेकेंड, सेंस ऑफ कम्युनिटी। Sense of community was introduced in 1974 by Seymour Saracen. In 1986, a major step was taken by David Macmillan and David Chavez with the publication of their Theory of Sense of Community, and in 1990, the Sense of Community Index. Sense of Community Index can be adapted to study other communities as well, including the workplace, schools, रिलीजियस कमिटी, कम्युनिटीज ऑफ इंटरेस्ट। समुदाय के सूचकांक को अन्य समुदाय के साथ कार्यस्थल, स्कूलों, धार्मिक समुदायों, रुचि के समुदाय आदि का अध्ययन करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। थर्ड, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डाइवर्सिटी। रैपपोर्ट इंक्लूड्स डाइवर्सिटी एज अ डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ द फील्ड डूइंग रिसर्च फॉर द बेनिफिट ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशंस in gaining equality and justice. This value is seen through much of the research done with communities, regardless of ethnicity, culture, sexual orientation, disability status, socio-economic status, gender and age. Rappaport ne vividhta ko kshetr ke ek paribhashit pehlu ke roop mein shamil kiya hai. Unhone anusandhan ko ek vividh abadi ke liye लाभकारी कहा है, क्योंकि उस आबादी को समानता और न्याय प्राप्त होता है। फोर्थ इज सोशल जस्टिस। कोर वैल्यू ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी इज सीकिंग सोशल जस्टिस थ्रू रिसर्च एंड एक्शन। द कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट आर एडवोकेट्स फॉर इक्वालिटी एंड पॉलिसीज दैट अलाउ फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल पीपल, पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन। अनुसंधान और कार्यवाही के माध्यम से सामाजिक न्याय की मांग करना सामुदायिक मनोविज्ञान का मुख्य मूल्य है।
सामुदायिक मनोवैज्ञानिक अक्सर समानता और नीतियों की वकालत करते हैं जो सभी लोगों की भलाई की अनुमति देते हैं। फिफ्थ इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कमिटी दैट हैव बीन मार्जिनलाइज्ड बाय सोसाइटी इज द गोल ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी। वन डेफिनेशन फॉर दिस कैन बी इट इज एन इंटेंशनल ऑनगोइंग प्रोसेस सेंटर्ड इन द लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्विंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, केयरिंग एंड ग्रुप पार्टिसिपेशन थ्रू विच पीपल लैकिंग एन इक्वल शेयर ऑफ रिसोर्सेज गेन ग्रेटर एक्सेस टू एंड कंट्रोल ओवर दोज रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू रैपापॉर्ट 1984, एम्पावरमेंट इज व्यूड एज अ प्रोसेस द मैकेनिज्म बाय विच पीपल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम्युनिटीज गेन मास्टरी ओवर देयर लाइव्स। सम हैव ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड द मेनी हैव फेवर्ड बट सम हैव also criticized the use of empowerment, like Rigger in 1993 points to the paradoxical nature of empowerment being a masculine, individualistic construct being used in community research. Guy Holmes critiqued empowerment as a vague concept. Wolf Wolfensperger has called it high craze value, means it is a term that means different things to different people. And ultimately means everything and nothing. In 1990s, support and empowerment paradigm was proposed as an organizing concept to replace the prior rehabilitation paradigm and to acknowledge the diverse groups and community-based work of emerging community disciplines. Means in 1990s, empowerment was supported. Sashaktikaran samudayik manovigyan ka ek lakshya hai. उन व्यक्ति और समुदायों के लिए जिन्हें हाशिए पर रखा गया है। इसका एक परिभाषा ये हो सकता है कि यह जानबूझकर किया गया स्थानीय समुदाय में केंद्रित एक सतत प्रक्रिया है जिसमें परस्पर सम्मान, महत्वपूर्ण प्रतिबिंब, देखभाल और समूह की भागीदारी शामिल है, जिसके माध्यम से समान संसाधनों की कमी वाले लोगों को वो संसाधनों अधिक पहुंचता है और नियंत्रण प्राप्त होता है। जिस समूह को संसाधन प्राप्त नहीं हो रहा है या जिनमें संसाधनों की कमी है, जितना होना चाहिए नहीं है, एम्पावरमेंट के थ्रू उन तक वो संसाधन पहुंचता है और उन पर नियंत्रण भी प्राप्त होता है। रैपापॉर्ट के अनुसार सशक्तिकरण को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जिसके द्वारा लोग, संगठन और समुदाय अपने जीवन में महारत हासिल करते हैं, परंतु कुछ लोगों ने सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट के उपयोग की आलोचना भी की है। जैसे रिगर के अनुसार सशक्तिकरण विरोधाभासी प्रकृति की ओर इशारा करता है और यह एक व्यक्तिवादी निर्माण है। यह एक फैशनेबल शब्द है जिसका अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। इसका अर्थ या तो सब कुछ हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता है। 1990 के दशक में पूर्व पुनर्वास प्रतिमान को बदलने के लिए और उभरते सामुदायिक विषयों के विविध समूहों और समुदाय आधारित कार्यों को स्वीकार करने के लिए एक आयोजन अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। एंड फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स एम्पावरमेंट वाज सपोर्टेड। कम्युनिटी साइकोलॉजी एम्फसाइजेस प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ प्रिवेंटिंग सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एंड हेल्थ प्रमोशन एट द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लेवल्स। सामुदायिक मनोविज्ञान व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं को रोकने के सिद्धांतों और रणनीतियों पर जोर देता है तथा स्वास्थ्य संवर्धन पर भी जोर देता है। सो दिस वॉज अ ब्रीफ लेक्चर अबाउट द कोर वैल्यूज ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी। विद दिस आई एंड माई लेक्चर। थैंक यू।